कुरान ये कहता वसायअलमुल्लदीना ज़लमू अय्यमुन कलबै यनकलबून, बहुत जल्दी जुल्म करने वाले जान जाएंगे कि उनका आखिरी नतीजा क्या होगा। फौरन नहीं हुआ, मसलन करबला के बाद फौरन करबला में जलजला क्यों नहीं आया? इमाम हुसैन की शहादत के बाद ख़त्म हो जाना चाहिए था। अल्लाह ने कहा ना, बताएंगे कि हकीकत क्या है। ज़ैनब ने बताया हकीकत क्या है। क्या बताया ज़ैनब ने? दरबार उसका जी, पावर उसका। शहजादी ने कहा कित कैदक सासायक जहद जहदक वल्लाही ला तम हु जिक्रना, तू जितनी कोशिश करना है कर ले, जितनी अंतक मेहनत करना है कर ले, जितनी दौलत खर्च करना है कर ले, तू हमारे जिक्र को खत्म नहीं कर सकता। अगर देखना हो इज़राइल खत्म होगा क्या, क्यों नहीं होगा, यकीन कर लीजिए खत्म होगा। क्यों खत्म होगा? इसलिए कि जुल्म अल मुल्क यबका मअल कुफ्र वला यबका मअ जुल्म। और इंडियन गवर्नमेंट से भी मैं गुजारिश करता हूँ, एक मुल्क गैर मुस्लिम होने के बाद भी पनपने के चांसेस हैं, गैर मुस्लिम होने के बावजूद भी, काफिर होने के बावजूद भी बच सकता है, जुल्म करके बच नहीं सकता। लेके जाइए शहजादी के मजलिस से पयाम, जुल्म करके कभी कोई मुल्क बाकी नहीं रह सकता, अदालत के जरिए से बाकी रह सकता है। ए फलस्तीन गज़े के बच्चों, मासूम बच्चों, घबराओ नहीं, तुम्हारा खून रंग ला रहा है, अब तक ये नहीं हुआ था जो हो रहा है। देखिए मीडिया किसका, उनका, व्हाट्सएप किसका, उनका, जितने रसरो रसायल किसके, उनके, इतना सब कुछ उनका होने के बावजूद आज अमेरिका में यहूदी कह रहे हैं कि गलत हो रहा है, आज यूरोप में कह रहे हैं, यहूदी कह रहे हैं गलत हो रहा है।